आज हम देखेंगे कार्बन का परसेंटेज। कार्बन का जो परसेंटेज होता है अर्थ क्रस्ट में वो कितना होता है, ये हो आपको मैं बता दूं, इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, 0.02% यह पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। इसके बाद इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 6 है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक मास की बात करें तो 12 है। इसके बाद अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, जो क्लास 10th में हम लोग करते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 4, और इसकी जो वैलेंसी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं वैलेंसी इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के वैलेंसी 4 होने के कारण इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी इसका नाम देते हैं, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, तो कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन हमें पता है कि यह केवल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह दो कंडीशंस है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, ये डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दो कंडीशंस हैं, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है C4 कैटायन, C4 कैटायन का कंडीशन है, और एक C4- एनायन का कंडीशन है। दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे कार्बन को आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो C4 कंडीशन में आ जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो C4 प्लस के कंडीशन में आ जाएगा। तो देखिए, अगर यह कंडीशन है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे 6 होंगे, लेकिन जब यह 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 बचेंगे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी और आईपी की जो वैल्यू होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी हाई नीडेड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरल कंडीशन में। बहुत हाई एनर्जी की नीड होगी, नीड वेरी हाई एनर्जी की सो यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर C4- की कंडीशन देखें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, लेकिन जब यह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा यह कंपाउंड तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दैट्स मीन्स 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, सो यह भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कार्बन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ जनरल कंपाउंड्स में कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, जहां से आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन, एंड मैं इसको रब करता हूँ तब तक, देन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉन्डिंग की बात करें तो हम बॉन्ड बनाएंगे H2 का। तो सबसे पहले अगर बॉन्ड बनाने की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताता है कि किसी कंपाउंड के बीच में कितना बॉन्ड बनने वाला है।
दैट्स मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है, दो है, तीन है, चार है, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार से ऊपर होगी तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन में यह प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाएगा। डुप्लेट जनरली सारे कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का। तो इसके वैलेंस सेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-6। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है वो 2 है। दैट्स मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है क्योंकि वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसी ये बताता है कि कितने बॉन्ड्स बनेंगे इसमें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बनने वाला है। तो टोटल इस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होने वाले हैं, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें यूटिलाइज होने वाले हैं। तो 12 में से मैंने 4 यूज कर लिया है, अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ दोनों तरफ चार चार इलेक्ट्रॉनों को और इसके थ्रू दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इस तरह से O2 का स्ट्रक्चर बनता है। फिर फाइनली हम देखते हैं CH4 का। तो CH4 इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम होने वाला है और 4 जो है हाइड्रोजन वो साइड में रहने वाले हैं। तो हमें पता है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को हम ड्रा कर लेंगे। इस पूरे सिस्टम में 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए इसके थ्रू अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे और इस बड़े वाले सर्कल में हम देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और यहाँ से हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम वेरियस टाइप्स के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइए हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं, टोटल इस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं, 16 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो कार्बन एक बॉन्ड यहां से बनेगा और एक बॉन्ड यहां से बनेगा, लेकिन कार्बन के अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज नहीं हुए हैं। अगर यहां पे अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं तभी भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसलिए यह दोनों तरफ क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इसके थ्रू ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ऑक्सीजन के, 4 इलेक्ट्रॉन, 4-4 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन के बचे हुए हैं, तो जो लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो इस तरह से CO2 का स्ट्रक्चर होगा। CO2 का जब भी एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होते हैं और इस सर्कल में देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से CO2 का स्ट्रक्चर बनता है। आप लोग वेरियस टाइप्स के एग्जांपल्स आपके बुक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में कि क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, व्हाट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। एलोट्रॉप्स वो होते हैं कि जो सेम केमिकल कंपोजिशंस को रखते हो। केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि वो कंपाउंड्स कार्बन से ही बना हो लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही हो, डिफर कर रही हो। तो एलोट्रॉप्स का क्या फीचर होता है, पहला सेम केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर डिफर होता है इसका। तो ये एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी है और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो इसके 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं।
कौन कौन से एलोट्रॉप्स, एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। कार्बन का जो सबसे फेमस एलोट्रॉप है वो है डायमंड, डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट और है बकमिस्टर फ्लोरीन। डायमंड की और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डायमंड काफ़ी हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बकमिस्टर फ्लोरीन के यूज के बारे में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बकमिस्टर फ्लोरीन बहुत हायर लेवल का कंपाउंड है, तो इसको बड़े क्लासों में पढ़ते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है C60 और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक होता है। एक यूएस का आर्किटेक्ट था बकमिस्टर, यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर जो इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था। बात करें यूज का तो डायमंड का यूज ग्लास कटिंग टूल्स में किया जाता है और इसको इलेक्ट्रोड्स, पेंसिल के लीड्स में यूज किया जाता है, ग्रेफाइट्स का ब्लैक पेंट्स में यूज किया जाता है। तो आपके लेवल बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, इसके यूज पूछे जाएंगे और टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोड और पेंसिल के लीड में, ग्लास कटिंग टूल्स में, इसके अलावा आई सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थे एलोट्रॉप्स के बारे में एंड इट्स यूज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों होता है, कार्बन क्यों वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड को बनाता है, क्या रीजन है उसके पीछे कि कार्बन इतना वर्सटाइल नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देख लेते हैं कि क्यों इतना वर्सटाइल नेचर है इसका। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन क्या है। सबसे पहले वर्सटाइल नेचर शो करने का कारण है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग होता है और ये एक लंबी चेन बना लेता है खुद से जुड़ के, कार्बन 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 की एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है जिस प्रोसेस को हम कैटेनेशन बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन में एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए जाने की एबिलिटी, तो इसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड, और इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड और कार्बन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी होने के कारण यह वेरियस फोर टाइप के कंपाउंड से जुड़ सकता है और यह इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन से जुड़ने की भी एबिलिटी रखता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण कार्बन वर्सटाइल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।